नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। दोस्तों, अभी जो वीडियो आप देखेंगे ये ब्रिजेश जी ने बात है सच के लिए तैयार करके भेजा है। ब्रिजेश जी का जिक्र मैंने आज हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स पे जो लाइव किया था उसमें किया था, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनका चैनल वंस इंडिया जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यानी आज के दिन सीएम पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम और गोपाल राय और इमरान हुसैन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत ने जहां ईश्वर के नाम पर शपथ ली, तो वहीं तीन नेताओं ने तो कुछ अलग ही अंदाज में शपथ लिया। आपको बता दें कि राजेंद्र गौतम ने भगवान बुद्ध की शपथ ली, तो वहीं इमरान हुसैन ने अल्लाह के नाम पर, तो वहीं गोपाल राय ने आजादी के शहीदों के नाम पर शपथ ली। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आपके बेटे ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। वहीं रामलीला मैदान में केजरीवाल शपथ लेते हुए बोले कि पिछले 5 सालों में हमारी यही कोशिश रही कि किसी तरह से हम लोग एक दिल्ली वालों की जिंदगी में खुशहाली ला सके। वहीं केजरीवाल साथ ही साथ बोले कि पिछले 5 सालों में हम लोगों की यही कोशिश रही कि दिल्ली को खूब तेजी से विकास हो। पिछले 5 साल भी हमारी कोशिश यही जारी रहेगी। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी इस चुनाव में कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो कुछ लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आज जब मैंने इस सीएम पद की शपथ ली है, आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी सीएम हूं और साथ ही साथ बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे रामलीला मैदान में आज केजरीवाल शपथ ले रहे हैं।